बड़ी खबर, पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली है जैश ए मोहम्मद ने और जैश का सारा काम चलता है पाकिस्तान से। ताकत का इस्तेमाल करने से पहले भारत चाहता है कि पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़े। इसके लिए भारत हर फोरम पर पाकिस्तान को घेरना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी के क्राउन प्रिंस सलमान के साथ हैदराबाद हाउस में भारत सऊदी संबंधों पर बोले तो पुलवामा के जिक्र से चूके नहीं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से भी 21 तारीख को जैश का नाम लेकर हमले की आलोचना वाला प्रस्ताव पास करवा लिया गया था। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, जिन्हें पहले से बैन कर रखा था उन्हें दोबारा बैन कर रहा है। 21 फरवरी की रात को हाफिज सईद के दो संगठनों को 5 महीने में दूसरी बार बैन किया गया। आखिर पाकिस्तान इससे साबित क्या करना चाहता है और ऐसी क्या इमरजेंसी थी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को रातों रात इस डबल बैन के लिए बैठक बुलानी पड़ी। बड़ी खबर में आज बात इसी की होगी, किन संगठनों को बैन किया गया है पाकिस्तान ने। 21 फरवरी को पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक हुई। इसमें जमात उद दावा और फलाए इंसानियत फाउंडेशन को बैन कर दिया गया। ये दोनों हाफिज सईद के संगठन हैं। 2001 में भारत के संसद पर हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने लश्कर ए तैयबा को बैन किया। लश्कर के बैन होने के बाद हाफिज सईद ने जमात उद दावा के नाम से एक नया संगठन बना लिया, लेकिन काम वही रहा जो लश्कर का था, आतंकवाद। फलाह इंसानियत जमात उद दावा का सहयोगी संगठन है। ये नाम का समाज सेवी संगठन है, कुछ जगह स्वास्थ्य और आपदा राहत का काम किया है, लेकिन इसका जमात और उसके हरकतों से संबंध हमेशा जग जाहिर रहा है। भारत में इस फलाह इंसानियत पर आतंकी संगठनों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। सवाल यह है, पहले से बैन थे तो दोबारा बैन क्यों किया? इमरान खान की चिंताओं का कारण थी 22 फरवरी की सुबह होने वाली FATF की बैठक, जिसमें तय होना था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जैसी संस्थाओं से लोन मिले या नहीं। पाकिस्तान तगड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में IMF से पैसा न मिलता तो उसका आटा और गीला हो जाता। अब ये FATF है क्या? FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। 1989 में G7 देशों की एक मीटिंग हुई थी। यह थी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और अमेरिका। इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के लिए FATF का गठन हुआ। 9/11 हमले के बाद FATF ने आतंकवाद की फंडिंग के खिलाफ काम करना शुरू किया। कैसे काम करता है FATF? FATF की साल में 3 बैठकें होती हैं, जिन्हें FATF प्लेनरी कहते हैं। इसी में यह तय होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग पर क्या कदम उठाए जाएंगे और क्या किसी देश के खिलाफ कोई एक्शन लेने की जरूरत है। जिन जिन देशों को IMF या वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद चाहिए होती है, उन्हें इस बात का ध्यान रखना होता है कि वो FATF की शर्तों पर भी खरे उतरे। फिलहाल क्या हाल है पाकिस्तान का FATF में? पाकिस्तान फिलहाल FATF की ग्रे लिस्ट में है, क्योंकि उस पर आतंकी संगठनों की फंडिंग के इल्जाम लगते रहे हैं। जून 2018 में ही पाकिस्तान ने FATF से वादा किया था कि वो इस पर लगाम लगाएगा। पाकिस्तान को इस साल अक्टूबर से पहले FATF की सभी शर्तों पर खरा उतरना है, ताकि उसे ब्लैक लिस्ट में ना डाल दिया जाए। ब्लैक लिस्ट में जाने से होता क्या है? फिलहाल नॉर्थ कोरिया और ईरान ब्लैक लिस्ट में है। इन्हें IMF और वर्ल्ड बैंक से कोई मदद नहीं मिलती। G7 ताकतवर मुल्कों का संगठन है, उनका FATF में काफी दखल है, तो FATF की ग्रे या ब्लैक लिस्ट में होने पर कोई देश अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से कट सा जाता है, आपको कर्ज नहीं मिलता और देश आपके साथ कारोबार करने से कतराते हैं। जब पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया तो सऊदी अरब और चीन ने पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया था। अब पाकिस्तान की बात कहां फंसी हुई थी? FATF की एक कमेटी हाल ही में पाकिस्तान गई थी। तब पाकिस्तान से यह कहा गया था कि वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जुड़ी डिटेल FATF से साझा करे। पाकिस्तान ने तब इनकार किया था। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर लगातार पूरी दुनिया से दबाव पड़ रहा था कि वो टेरर फंडिंग के मामले पर सफाई पेश करे। FATF इस सफाई पर नजर बनाए हुआ था। यही वजह थी कि पाकिस्तान ने बैन हो रखे संगठनों को दोबारा बैन किया। अब भारत ने क्या कहा FATF में? पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश ने ली है और सब जानते हैं कि जैश पाकिस्तान से काम करता है। 16 फरवरी को भारत ने FATF में पुलवामा हमले में पाकिस्तान के रोल पर अपने दावे पेश किए थे। भारत लगातार दुनिया भर में इस संबंध में लॉबिंग भी कर रहा था। भारत चाहता था कि FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दे। सवाल यह है, आज क्या हुआ FATF में?
पाकिस्तान ने अपनी तरफ से डबल बैन करके एफएटीएफ को रिझाने की कोशिश तो की थी, लेकिन आज जब एफएटीएफ प्लेनरी मीटिंग खत्म हुई तो पाकिस्तान की कड़ी आलोचना हुई। एफएटीएफ ने पुलवामा हमले की निंदा की और कहा कि ऐसे हमले आतंक समर्थकों के बीच पैसे के लेन देन के बिना संभव नहीं होते। एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और तालिबान जैसे संगठनों को होने वाली फंडिंग की गंभीरता और खतरे नहीं समझता। एफएटीएफ ने फिलहाल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा है। अब आगे क्या करेगा भारत? अभी पुलवामा हमले की जांच चल रही है, जांच के साथ और सबूत सामने आएंगे। हमले की जगह से फॉरेंसिक सबूत भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, तो भारत के पास एफएटीएफ में अपना पक्ष रखने के लिए और चीजें होंगी। भारत दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए कोशिश करता रहेगा। एफएटीएफ की अगली प्लेनरी मीटिंग में भी भारत इन्हीं चीजों को लेकर जाएगा। तब क्या होता है ये इस बात पर निर्भर करता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतें सुधारता है या नहीं।